सो गाइस दिस इज माय वेरी बोरिंग पति मुझे डेट पे लेके आए हैं आज विंडीज, क्योंकि ये वेजिटेरियन है तो ये खाएंगे आलू. ओ क्योंकि आज लंच ब्रेक है तो ये परा पड़ा है. प्यारी है मेरा आलू, अपने आलू तो दूर करता. और मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ ना ये जानने में. हाय पर तू ही हो. हाय मेरे साथ ना बाउंडी में मैं काली मिर्च होनी है एक सो ये है मेरे खूबसूरत पति. हर बार इंट्रोडक्शन नहीं बन गया. तो इन्होंने ली है ये वेरका की गच्चक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गच्चक के फैन है एंड लोहड़ी आ रही है पर इतनी ज़्यादा पका रहा तो हमने सोचा रिटर्न करते हैं. हाँ ये मैं नहीं रिटर्न करना चाहती, मेरे पति नु कहो जो भी कहना. तो हमारे घर के पास जो कॉस्को है वो उससे ऐसा व्यू है माउंटेन्स का, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ना, ज्यादा क्लियर. समर में इस बार इतना क्लियर नहीं था स्मोक की वजह से, इतना मजेदार दिख रहा है ये. मुझे माउंटेन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है. माउंटेन्स ना एक स्पिरिचुअल वाइब देती हैं. और अब बताएं कि गॉड की क्रिएशन पे आपको एक क्वेश्चन उठा सकते हैं कि ये खूबसूरत नहीं है, कितना ज्यादा मेस्मराइजिंग है ये. तो ये व्यू देखने के लिए मिलता है मुझे बहुत ही ज्यादा ऑफनली. तो अगर आप सोच रहे हैं कैलगरी मूव होने के लिए जरूर से आए एंड आप मेरे हस्बैंड को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो रियल एस्टेट में जॉब करते हैं तो वो आपके लिए आपका प्यारा सा घर ढूंढने में मदद कर सकते हैं आपकी. लुक एट दिस प्रिटी. Yeah, it's so cute. प्यारे जो बंदा कॉस्को तो ग्रोसरी के कपड़े खरीदन लग जाए ना, मतलब बुढ़ा हो गया. बुढ़ा हो गया, एदियां इच्छावां मर गईयां, ये जचना नहीं जांदा. ਤੂੰ ਹੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ. ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਸਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ, ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਆ. ਪਿਆਰੀ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਜਿੱਦਣ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀਸੂ ਮਸੀਹਾ ਆਏ ਸੀ. ਜੀਸੂ ਮਸੀਹਾ ਰੋਮੈਂਸ. ਗਾਇਸ ਕੋਸਕੋ ਮੇ ਹਸਬੈਂਡ ਐਸੇ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਡੀ ਸਟੋਰ 'ਚ ਬੱਚੇ. ਨਹੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਕੋ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਂਡੀ ਸਟੋਰ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਕਰਦੇ ਆ. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ. ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਢੀ ਜਾਓ. ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੇਗੀ. ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕਰੋ. ਮੇਰਾ ਪਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਆ. ਇਹ ਪੰਡਾ ਤੂੰ ਕੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦਿਆ. ਪਿਆਰੀ ਤੇਰਾ ਵਲੌਗ ਬਣਨ ਦਿਆ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਿਲੇਂਗੀ ਤੇਰਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ. ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ,
सो घर पे आ चुके हैं एंड अब मैं वीडियो को एडिट करना शुरू करने वाली हूँ. आज मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए. वो है कि कैसे आप अपना मेकअप करें कि आपका जो चेहरा है बहुत ही फ्लॉलेस लगे. क्योंकि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हम जब मेकअप पहनते हैं तो हमारा चेहरा अजीब सा लगता है. मेरे पास बहुत ही प्यारी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आपका चेहरा स्मूद एंड फ्लॉलेस लगेगा. वो मैंने आपके साथ शेयर की है इस वीडियो में. जब तक ये व्लॉग जाएगा वो वीडियो ऑलरेडी अप होगी, सो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, ज़रूर से देखें ताकि आप भी अपना मेकअप खुद से घर पे कर पाएँ एंड बहुत ही मज़ेदार कर पाएँ, लॉन्ग लास्टिंग बने एंड स्किन ऐसे परफेक्ट स्मूद लगे. सो वो एडिट करने वाली हूँ. सो डिनर की चिंता भी है मुझे, पता नहीं क्या खाएंगे. एक्चुअली मेरे पास ना लेफ्ट ओवर दाल थी थोड़ी सी, तो उसको मैंने ना पालक को बॉयल करके क्रश करके ऐड कर लिया, क्योंकि हिम्मत को ग्रीन कलर की रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं. सो वो ग्रीन रोटी खा सकता है हिम्मत. एंड मैं बहुत ज़्यादा खाना नहीं चाहती हूँ, स्किप की तरफ ये मेरा प्लान तो. एंड पिछले कुछ दिनों से ना मैं बहुत भी फील नहीं कर रही हूँ. मेरे ना लोअर बैक में पेन है, नेक में पेन है, अभी तक ना सही सा फील नहीं हो रहा है मुझे. आई होप वो जल्दी सही हो जाएगा. पर जब मेरी कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाती है ना कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं फील करती हूँ, लाइक दर्द होती है बॉडी में, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली अदरक का पानी, गार्लिक और बहुत सारी हर्ब्स एंड ऑल्सो अब सप्लीमेंट्स को बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनको खाने से काफ़ी अच्छा फील होगा मुझे. एंड कोशिश करती हूँ कम से कम खाऊँ, क्योंकि जब मैं कम खाती हूँ या फास्टिंग में मेरा जो बॉडी रहता है तो अगले दिन मैं ज़्यादा एक्टिव फील करती हूँ. ना शरीर को ज़्यादा समय मिलता है अपनी बॉडी को हील करने का. अगर पेट भर के रखेंगे तो वो डाइजेस्ट करने में ही इतना बिजी हो जाता है कि बेचारा हील नहीं कर पाता. बहुत सारी चीज़ें मैं करना चाहती हूँ पर शरीर इजाज़त नहीं देता. सो या उसका भी ख्याल रखना ज़रूरी है. बस 2 दिन रह गए हैं, मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, होपफुली उसके पास कुछ आंसर्स होंगे. एंड फिंगर्स क्रॉस कि मुझे जल्दी से जल्दी हड्डियों वाला डॉक्टर मिल जाए, ताकि बीमारी के बारे में जानकारी मैं इकट्ठा कर पाऊँ कि कितने तक बीमारी पहुंची है, कब हील होगा या स्टफ लाइक दैट. इंटरेस्टिंग नहीं है बट जरूरी है. So this is a green roti, this is a ladka. Ladke? Guys, I like green roti. Just like? But mommy, you love it. Yes. Mommy. Okay, you say whatever you want. You love it or you hate it. Guys, I say whatever I want. What? ओके गाइस, ये मेरा सन है एंड इसे सम डेज मैं फीड करना पसंद करती हूँ, जो कि बहुत रेयर आता है. एंड इसे ये ग्रीन रोटी बहुत पसंद है एंड इसकी मम्मी दुनिया की बेस्ट ग्रीन रोटी बनाती है. एंड ही स्टीलिंग दही, नो स्टीलिंग अलाउड. एंड तू ग्रीन रोटी बारे कुछ कहेगा? आई लव इट. आज इस ग्रीन रोटी से पता की पाया मैं? स्पिनच, फुल ऑफ स्पिनच. यू लाइक इट? ओके बाबू, मैं तुरा टेस्ट लेना भाई. तू ही ना एक फीमेल का नाम लेना भाई, जरा माइंड थोड़े च पहला आंदा नाम एक फीमेल नाम. मिमी आवाज बंद कर. श्री देवी. हम तेरे पहले मुक्के. नहीं मेरा क्यों नहीं लिया? श्री देवी की नाम से रोटी बनाते समय ना मुझे एकदम से एलर्जी का अटैक हो गया. आई कांट ब्रीथ नाउ.
रोटी बनाते समय सडनली मुझे ना स्नीज होना शुरू हो जाता है एंड फिर ब्रीदिंग करना मुश्किल हो जाता है, एलर्जीज हो जाती है एकदम से. सो यस, दैट्स द अपडेट न्यूज़. अब स्टेयर आ गई हूँ, एक दो काम करना चाहती थी पर आज नहीं करूँगी. अपना स्किन केयर करने वाली हूँ एंड बेड के अंदर जाने वाली हूँ. बाल ना मेरे बुरी तरह ऑयली हो चुके हैं, इनको ना वो कहते हैं कंघी, क्योंकि जब मेरी ना एलर्जी होती है ना और मैं बाल कंघी करती हूँ तो एक अलग सा आराम मिलता है एंड कोई ना कोई प्रेशर पॉइंट्स प्रेस होते हैं. सो आई लाइक इट. कल वॉश करेंगे, तेल देखो कितना. गाइस कंघी करने के बाद बालों को अपने ब्रश में कभी मत छोड़े एंड क्लीन करें. एंड जब आप कंघी करते हैं तो बाल ना नीचे भी गिर जाते हैं, उसको भी उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शनिदेव बहुत नाराज़ हो जाएंगे, जो आपको नहीं चाहिए. सो गाइस बाल लंबे हो रहे हैं, देखें बालों को काट लिया जाए या बालों को लंबा किया जाए, मैं कंफ्यूज हूँ. मैं लंबा भी करना चाहती हूँ एंड कटन के लिए भी मन है, पर लंबे का मन थोड़ा ज़्यादा है. आप बताएं कि क्या किया जाए, आप ही के हिसाब से हम करेंगे जो भी हमें करना है. मैं यहाँ पे आती हूँ स्किन केयर करने के लिए कि लाइक 10-15 मिनट में क्विकली करूँगी. ऐसे चिंगी मिंगी काम करके ना टाइम वेस्ट कर लेती हूँ तो कितना ही डमा समा हो जाता है. सो क्लिनजिंग करते हैं जल्दी. जब मुझे फेस क्लीन करना है तो जूड़ा बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जूड़े के बिना नहीं मैं कर सकती हूँ. थल्ले बाल ना मैंने लगा कि कुछ कमी रह गई है. क्लिनजिंग ऑयल से सबसे पहले क्लीन करेंगे. मेरी करंट स्किन केयर की वीडियो यूट्यूब पे है कि मैंने मेरी स्किन को कैसे क्लियर किया है एंड आजकल मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, ज़रूर से देखें ताकि आपको मदद हो पाए. मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें मैं कोरियन स्किन केयर यूज़ कर रही हूँ एंड यस दैट्स इट. लेट्स डू इट. ओह टॉप भी चेंज करना है, टॉप चेंज करके आती हूँ. एक्चुअली आई एम नॉट कमिंग बैक, बाय. कल मिलती हूँ आपको, अपना ख्याल रखें. आई लव यू गाइस सो वेरी मच. मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना एंड वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट बार में कोई प्यारी सी टिप बताएं कि एलर्जीज़ के लिए क्या किया जाए.